रेतीला दाना, बच्चों का ये नया दुश्मन कहां से आ गया? पता नहीं, पर वो जो भी था बहुत शक्तिशाली और खतरनाक था। कहीं इस रेतीले दानव को बनाने वाली भयंकर परी तो नहीं? बिल्कुल सही सोचा है तुमने नटखट परी, मैंने ही बनाया है वो रेतीला दानव। अच्छा हुआ भयंकर परी तुम खुद अपने बिल में से बाहर आ गई, और तुम्हें तुम्हारी हर गलतियों की सजा मिलेगी। मैं यहां हूं बाल्दी। अफसोस बाल्दी, तुम्हारा कोई भी वार मुझे छू भी नहीं पा रहा है। बवंडर परी का ये दंड भी कमाल है, पलक झपकते ही सामने वाली की नजर से गायब। तुम नहीं बचोगी भयंकर परी। चाहो तो तुम्हें एक पल में खत्म कर सकती हूँ नटखट परी, मगर नहीं। अभी तो मुझे तुम सबके चेहरों पर अपने बनाए हुए शक्तिशाली रेतीले दानव की तबाही का डर देखना है, अपने सामने तुम सबको झुके हुए देखना है। क्यों बाली, कैसा लगा मेरा शक्तिशाली रेतीला दानव? शक्तिशाली छुपते नहीं बल्कि सामने आकर लड़ते हैं। आएगा, जल्द ही वो तुम्हारे प्रिय बच्चों पर वार करने के लिए तुम सबके सामने जरूर आएगा। तो वो तुम्हारे रेतीले दानव का आखिरी दिन होगा भयंकर परी। मेरे सामने आते ही मैं उसे अपने एक ही वार से मिट्टी में मिला दूंगा। जरूर वार करना उस पर भालवी, मगर वार करने से पहले एक बार सोच लेना, कहीं तुम किसी अपने पर तो वार नहीं कर रहे। क्योंकि इस बार जो चाल मैंने चली है उसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ऐसा क्यों कहा कि रेतीले दानों पे क्या हुआ मेरा वार मेरे किसी अपने पे हो सकता है? भयंकर परी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता बालवी। हो सकता है ये सब उसने तुम्हें उलझाने के लिए कहा हो। अरे यार आज बहुत सारे गए, उठा चल के स्कूल आना पड़ा। चुप चुप, बुतुच कुछ नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा मोंटू बॉस। अब क्यों डर रहे हो? बॉस अब ये मास्क पहन के रखा करो, ऐसे तो आप और डरने लगते हो। वैसे भी बॉस आपकी बंदर वाले ट्रिक से हम डरते वरते नहीं है, वैसे भी ये ट्रिक पुराना हो चुका है, कोई डरेगा भी नहीं। डरेंगे, सब डरेंगे। बोल कुकी। ओ यार एक जोक सुनाता हूँ। ओ पाजी आज तो जोक सुनने के पहले ही हंस दिए। क्योंकि मुझे तेरा जोक आज सुनना ही नहीं है। ओ पाजी आपने तो मेरी ही बोलती बंद कर दी। ये कौन सा नया नमूना है? अरे मुझे लगता है कि स्कूल में कोई नया स्टूडेंट है। रुक मैं इसका नाम पूछता हूँ।
ओए, तेरा नाम क्या है? उजी, मुझे लगता है ये गूंगा है, बोल नहीं पाता है, इसलिए इशारों में बात करे। इशारों में मुझे बुलवाना आता है पाजी। कैसे? देखो ओ देखा। अरे ऐसे तो मुझे भी आता है, अब खाली देखते जा। ओ कहा था ना बॉस आपको कि आपके सब कोई नहीं डरेगा। डरेगा? मानो जैसा डरपोक तो जरूर डरेगा। मानो वो जो हमारे घर पे घर के पास जो हर्ष भी है ना, उनके पापा। तो कुछ नहीं, मैं तो बस इतना देख रहा हूँ कि खिड़की खुली है कि बंद है। वो क्यों ऐसे? चल क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि कहीं रीतिला दानव तो नहीं आ रहे ना। मानव, रीतिला दानव स्कूल में क्यों आएगा? उसे तो ही ना पढ़ना है। तो उसे क्रिकेट भी तो नहीं खेलना था, तो फिर वो वहाँ पर क्यों आया था? मानव देख, तू डर मत। मैं नहीं डर रहा हूँ, बस थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। तो थोड़ा सा घबरा भी मत। अरे हमारे पास बालवीर है, बालवीर ने कल रीतिले दानव की चटनी बनाई थी ना, वो क्यों आएगा स्कूल में? पर मैं, हमें थोड़ा अलर्ट रहना भी तो जरूरी है ना। हाँ मानव, लेकिन बालवीर के होते हुए हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। जब तक वो है ना, हमें कुछ छू भी नहीं सकता। अरे हाँ मानव, वो जो बी डिवीजन में रोशनी है ना, उसको भी रेखिले दाना दिखाई दिया था। नहीं मानव, उसकी बुक मुझे वापस करनी है। अच्छा। हाँ? तो यही रुकना, मैं अभी आती हूँ। वाओ, चॉकलेट? ओ नहीं, ये मेरी चॉकलेट नहीं है। और यहाँ पर मेरे से तो कोई भी नहीं है। अरे, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। अरे मानव की खैर नहीं। हाँ, बॉस उसे ऐसा डराने वाला है कि वो जिंदगी भर डरा डरा घूमेगा। हाँ। अरे मैं मानव को डराने, खुद को डर रहा। सॉरी सॉरी। ओके
को, तूने देखा? हाँ? कहाँ? अरे कहाँ कहाँ नहीं देखा, जब मैं सुबह उठा तो वो ब्रश कर रहा था, फिर तैयार होते टाइम मैंने उसे टाई पहने, फिर दोनों बस में भी एक साथ थे, फिर बस के उतरने के बाद तुम दोनों आगे चले गए और मैं पीछे पीछे आ रहा था। अरे मेहर, मैंने मानव के साथ तुझे भी देखा था। हाँ। अरे वो मुझे पता है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अभी वो मेरे साथ था पर पता नहीं अब वो कहाँ चला गया। कहाँ चला गया? वही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ। पर मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो तो तुम्हारे साथ था। क्योंकि मेरा दिमाग है ना वो खराब हो गया है, इसलिए। चल ले आप। कहाँ? दिमाग के डॉक्टर के पास। अरे मानव को ढूंढने। अरे हाँ चलो। पता नहीं मानव कहाँ गया, ये सिर्फ एक ही आदमी को पता होगा। किसे? मानव को। ये बल्लू, वो रेतीला दाना मानव को नहीं लेके गया ना? मैं अगर रेतीला दाना यहाँ आता तो हमें भी तो पता चलता ना। हाँ वो तो है, फिर मानव वो कहाँ है? बेचारा कल से डरा हुआ है। मेरी गलती है, मुझे उसे स्कूल ही नहीं लाना चाहिए। मैं अगर हम खुद डरेंगे तो मानव को ना डरने से प्रोत्साहित कैसे करेंगे? डर का सामना हिम्मत से होता है, ना कि उससे डर कर भाग कर। और मैं हमें मानव की हिम्मत बनना है, ना कि उसका डर। कभी कभी अच्छी बातें कर लेता है तू। हाँ लेकिन मानव ठीक तो होगा ना? मैं मानव ठीक होगा और यहीं कहीं होगा। चल ढूंढते हैं उसे। हाँ चल। चेकबुक कहीं गई? बस आप है ना मास्क पहन कर ही रखा करो, आप पे जचता है। चुप। देखो उस पिद्दी को, किसी डर की वजह से उसकी हालत टाइट हो गई है, डर के मारे कांप रहा है। तुम क्यों कांप रहे हो? नहीं बस आप रहने ही दो। चलो चलो बस। चलो बस। ये वो रेतीला दाना स्कूल में तो नहीं आ गया? स्मिता, स्मिता। हाँ स्मिता, तुम्हें याद है हमारी जब नई नई शादी हुई थी तब भजिया। स्मिता, अरे घर में रॉकी और माँ हैं, कोई देख लेगा तो क्या समझेगा स्मिता? हाँ तो वो भी आकर खा लेंगे। स्मिता माना कि मौसम सुहाना है लेकिन ये
आंख मारना बंद करो। क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं? देखा ये देखा देखा वापस देखा। अरे बाबा मैं आंख नहीं मार रही हूँ, मेरी दाई आंख फड़क रही है। अच्छा दाई आंख फड़क रही है। हाँ तो अपनी दाई आंख को बोलो ना ना फड़के, मुझे क्या बता रही हूँ। अरे आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी। दाई आंख फड़कना अच्छा नहीं होता है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। मेरा तो बहुत मन घबरा रहा है, कहीं वो रेतीला दानव स्कूल तो नहीं पहुंच जाएगा। सीता स्कूल कैसे जाएगा, कल बालवीर ने उसे भगा दिया था ना। अरे तुम बेकार में चिंता कर रही हो। चिंता ना करूं तो क्या करूं, आपने देखा नहीं कल मानव की हालत कैसी थी। पर बीबी भी है ना स्मिता। अरे भाई आजकल तो माँ बाप से ज्यादा बच्चों की फिक्र बालवीर को होती है। अरे वो कुछ भी करके बचा लेगा उन लोगों को, और फिर तुम ही इतना डर जाओगी तो मानव पर इसका क्या असर होगा। लेकिन 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 कुछ नहीं स्मिता, तुम्हें कुछ करना ही है तो हाँ, मानव के लिए उसका मनपसंद खाना बनाओ ताकि वो इससे ज्यादा खुश हो जाए। मेरी दाई आंख पड़क रही है, देखा? ये इसका मतलब है कुछ अच्छा होने वाला है। क्या आप भी? भगवान सारे बच्चों को उस रेतीले दानव से सुरक्षित रखना। ये क्या है? रेतीला दानव है, रेतीला दानव। रेतीला दानव। अरे तू यहाँ क्यों खड़े हो? भागो अंदर भागो। इससे पहले रेतीला दानव बच्चों को चोट पहुंचाए मुझे इसे रुकना होगा। अरे बल्लू कहाँ जा रहा? मैं तुम जाओ, मुझे एक जरूरी काम है, मैं घर के आता हूँ। ऐसा क्या जरूरी काम है कि तुझे अभी जाना है? किसी बात की फिक्र है कि नहीं तुझे? अरे स्कूल में रेतीला दानव आया हुआ है, सब बच्चे डरे हुए हैं और तुझे बाहर घूमने जाना है। पता नहीं मैं तेरे साथ क्या करूं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तू वो ही करेगा जो मैं तुझसे कहूंगी, समझा? अब चुपचाप अंदर चल, और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुझे अफीम को दूंगी। चल बड़े रेतीले दानव ने कोई ना बस या कार नहीं फेंकी, नहीं तो मुझे